बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मसला पूछते हैं कि तावीज़ करना, तावीज़ लटकाना जायज़ है या नहीं। तो इसके बारे में इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि क़ुरान की आयात और अहादीस मुबारक और फरामीन पैगंबर यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी इरशादात या बताई हुई बातें हैं उनसे तावीज़ करना, लगाना और उसको लटकाना जायज़ है। इसके अलावा के दूसरे कलिमात, दूसरे शिरकिया अल्फाज या दूसरे नंबरात के ज़रिए से जो तावीज़ें बनाई जाती हैं उसकी शरई कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा इससे बचने की ज़रूरत है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अल्लक़त तमीमत फ़कद अशरक, जिसने तमीमा लटकाया उसने शिर्क किया। मतलब ये कि जो हड्डियों पर या दूसरी चीज़ों पर ये तावीज़ात का नाम देकर उस पर अमलियात करते हैं उससे बचना ज़रूरी है, अगर वो करेंगे तो वो शिर्क में मुब्तला हो जाएगा।